हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वेज प्लेट। आज हम बनाने जाएंगे मसाला कॉर्न फ्राइज़। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक स्वीट कॉर्न, जिसका मैंने छिलका निकाल दिया है। अब हम लेंगे एक टूथपिक। टूथपिक की सहायता से अब हम इसकी लंबाई देखेंगे। थोड़ा सा गैप रहना चाहिए पीछे से पकड़ने के लिए। तो ये देखिए, इतना छोड़ के ये मैंने यहाँ से अब मैं कट लगा दूँगी। यहाँ पे कट का करते ये टूथपिक निकाल देंगे। अब हम टूथपिक निकालने के बाद यहाँ से अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने कट कर दिया है। यही नाप लेके हम एक और कट लगाएंगे। ये सेकंड कट, ये देखिए, ये कट कर दिया है मैंने तीनों। फिर अब हम इसको बीच में से कट करेंगे। बीच में से कट करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अब हम लेंगे टूथपिक। ये देखिए, ये मैंने लिया टूथपिक। अब हम इसको कॉर्न के एकदम बीच में से थोड़ा नीचे की साइड डालेंगे। ये देखिए, ऐसे डालना है अब हम इनको, और ध्यान से डालें ताकि वो टूथपिक डालते समय वो साइड से निकल ना जाए। और दोनों अंगुली और अंगूठे की सहायता से प्रेस करके इसको ऐसे निकाल देंगे। देखिए, इसको ध्यान से निकालना पड़ता है। देखिए, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी उबालने के लिए रखा है। उबाल आते ही जो मैंने फ्राइज़ निकाले थे कॉर्न के, वो सब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये सब डाल दिए हैं मैंने। डालने के बाद 2 से 3 मिनट उबाल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ये उबाल आ गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए, ये पानी निकाल देंगे। ये निकाल दिया है पानी मैंने। पानी निकालने के बाद अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 3 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। ये अब हम नमक डाल देंगे। ये नमक, ये सब डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर अच्छे से मिक्स ना हो तो थोड़ा सा पानी की छींटे डाल के आप इसको मिक्स कर सकते हैं। और इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में रख दीजिए। प्लेट में निकाल के फ्रीज़ में रख दीजिए आप, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये मैंने निकाल दिया अलग से एक प्लेट में। अब इसको मैं फ्रीज में रख दूँगी। तब तक अब मसाला तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिया मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला और आधा चम्मच नमक। ये सब डाल के इसको मिक्स कर देंगे मसालों का। ये मिक्स कर दिया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मिक्स करने के साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। और फ्रीज़ में से मैंने ये फ्राइज़ निकाल लिए हैं, कॉर्न फ्राइज़। तो अब हम इनको फ्राई करने के लिए डाल देंगे तेल में।
ये डाल देंगे धीरे 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 करके डालें। ये देखिए ये सब ये डाल के इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे। तीन से चार मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। ये देखिए अब लगता है ये थोड़े कड़क हो गए हैं, तो अब हम इनको टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। ये टिश्यू पेपर पे निकाल दिया है। टिश्यू पेपर पे निकालने के बाद जो हमने चाट मसाला तैयार करके रखा था, फ्राइज मसाला, वो हम इस पे डाल देंगे। देखिए ये मसाला डाल दिया है अच्छे से, और थोड़ा अच्छा मसाला डालें। और यहाँ पे लिया है मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस, ये भी डाल दिया है, और थोड़ा धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, इसको डाल देंगे अच्छे से। तैयार है हमारी मसाला कॉर्न फ्राइज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।